आज भुवनेश्वर एम्स में विजिट करके यहाँ की सुविधाओं को और बेहतर बनाने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज यहाँ के चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना हो या रिसर्च हो, इसमें एम्स भुवनेश्वर का काम अच्छा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पेशेंट के लिए वेटिंग पीरियड भी बहुत है, क्योंकि 10,000 की फुटफॉल्स हम रोज़ यहाँ पे देख रहे हैं। इसके लिए थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना भी ज़रूरी है। एम्स का उद्देश्य ये है कि टर्शरी केयर की सुविधा यहाँ पे मिले। इसके लिए लगातार सरकार ने पिछले साल अच्छा बजट भी दिया है, 510 करोड़ का। इस साल हमें 635 करोड़ का बजट मिला है। पेशेंट की सुविधा को लेके हो या बच्चों की शिक्षा को लेके हो, यहाँ पे अच्छी सुविधा मिले। हम चाहते हैं कि पेशेंट को वेटिंग पीरियड कम करके वो सुविधा देने हेतु, चाहे वो पेशेंट रेफर हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज से या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो उन अधिकारियों के साथ भी, उन डॉक्टर्स के साथ भी आप मीटिंग करें, बैठक लें, ताकि जिसकी ज़रूरतमंद यहाँ पे है, टर्शरी केयर का फोकस अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो वो पेशेंट को यहाँ पे ट्रीटमेंट देना बहुत आवश्यक है। अगर पेशेंट को प्राइमरी सेकेंडरी लेवल का ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो वो मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हम कर सकते हैं। इस दिशा में चर्चा हुई और लगातार अच्छा काम करने के लिए एम्स भुवनेश्वर आगे बढ़ चढ़ के काम करे, ताकि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी के दिशा निर्देश में। आज पूरे भारत भर में हमारे जो एम्स फंक्शनल है, वहाँ पे हर सुविधा देने के लिए सरकार काम कर रही है, प्रतिबद्ध है, और यह सरकार समर्पित है कि गरीब की सेवा, उनकी सुरक्षा, उनकी आरोग्य, उनकी स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी तरह से मिले। इसलिए सरकार ने अनेक योजनाएं हाथ में ली है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसी में से एक अच्छी योजना है। लेकिन मुझे थोड़ा दुख भी है कि हमारे ओडिशा सरकार ने इस योजना को अभी तक अप्रूवल नहीं किया है, स्वीकृति नहीं दी है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार अनुरोध करती हूँ स्टेट गवर्नमेंट ओडिशा को कि पेशेंट के लिए सुविधा देने के लिए और गरीब पेशेंट के लिए इस योजना के माध्यम से 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। आज अगर भारत में सभी राज्यों में 3 राज्य छोड़ के ये योजना चल रही है और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि इन परिवारों को 5 लाख तक की मदद उनके ऑपरेशंस, उनके ट्रीटमेंट के लिए मिले, मैं आपके माध्यम से ये भी अनुरोध करती हूँ कि ओडिशा सरकार ने भी इसे स्वीकृति देने के लिए प्रयास करें, ताकि पेशेंट को मदद मिलेगी। उसके साथ ही अनेक योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंच रही है। बहुत धन्यवाद मैडम। वेटिंग कर रहे पेशेंट के लिए अभी तक है धर्मशाला, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ, उनके लिए क्या? वो तो होने वाला है। और नया कुछ डिपार्टमेंट कुछ खुलेगा या नया कुछ? देखिए, सेंटर ऑफ एक्सलेंस होने जा रहा है, सैटेलाइट सेंटर को मान्यता मिली है, तो ये तो सरकार लगातार पेशेंट की सुविधा के लिए काम कर रही है। मैम, प्लान फॉर पेपरलेस सर्विस, डिजिटल जी जी, ई सर्विस, ई पेपरलेस सर्विस के बारे में आपने कहा, तो वो भी नेक्स्ट ईयर से एम्स भुवनेश्वर करने जा रहा है। मैम, फुटबॉल की हमने जिस तरह से बात किया, वेटिंग भी काफ़ी है यहाँ भुवनेश्वर की। अगर एम्स की बात करें, वेस्ट बंगाल से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, तो अगर लोड कम करना है भुवनेश्वर का, तो क्या दूसरा एम्स जो है वो दूसरे रीजन में फ्यूचर में प्लानिंग में है? देखिए, अभी तक तो 22 एम्स भारत भर में, हर एक राज्य में कम से कम एक एम्स बने, इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है कि हर एक राज्य में एम्स रहे, और इस दृष्टि से अभी 22 को हम लोग अप्रूव करके फंक्शनल कुछ हो चुके हैं। यहाँ पे तो हमारे आदरणीय जब अटल जी प्रधानमंत्री जी थे, तो उनका एक ये यहाँ पे ये एम्स के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए,
और आगे आने वाले दिनों में ये 22 एम्स को जल्द ही हम लोग जो अभी फंक्शनल होने बाकी है उन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखिए मेडिकल सीटें तो लगभग पीजी सीट्स हो या यूजी सीट्स हो, यूजी सीट्स आज देखा जाए तो 70% से बड़ा है, यहाँ पे भी 100 का 125 हो गया है, और पीजी सीट्स भी लगभग 90% के बराबर बढ़ चुके हैं। ये ओवरऑल मैं एवरेज बता रही हूँ भारत का। तो ये सरकार इस दृष्टि से काम कर रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि बच्चों को यहीं पे शिक्षा अच्छी मिले मेडिकल एजुकेशन की। इस दृष्टि से यूजी और पीजी सीट्स कभी नहीं इतने बढ़े जितने कि इन 8 सालों में बढ़े। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैडम ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर भर्ती प्रवीण पवार आसते और इबु कले आमर विभिन्न जो डिपार्टमेंट आ विभिन्न प्रकार चर्चा है आ मोस्ट इम्पोर्टेंट चर्चा है कि आमर एक्सिलेंट जो सेंटर डिफरेंट सेंटर ऑफ एक्सिलेंस केमती हम आमर मैन पावर केमती बढ़ मैन पावर फैकल्टी रेसिडेंट जूनियर रेसिडेंट आप नर्सिंग स्टाफ मैन पावर जमती आमर कम अच्छी ऑप्टिमाइज करने से विषय भी चर्चा कले आपर आमर मेन है किमती डिपार्टमेंट ओपीडी जो ओवर क्राउडेड आमती 10,000 लोक आसुचंती प्रतिदिन केमती आम मैनेज करवा से गोटे चैलेंजिंग क्राउड मैनेजमेंट आम पाखे के साधन अच्छी एफेक्टिवली केमती कंट्रोल करवा से विषय भी आम स्ट्राटेजी डिस्कशन करागला ई पेपर आमर ई हॉस्पिटल करने पेपरलेस हॉस्पिटल डिजिटलाइजेशन आमर एम हूँ 1 जनवरी 2023 रु पूरा हॉस्पिटल पेपरलेस हम से आमर कौन चली केमती अचीव करवा से विषय भी गुड़ा कले ट्रांसपेरेंसी बढ़ी तापर वेटिंग लिस्ट जो होची ता विषय भी सेटा भी सुरखुरी रे काम हो पार आमर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी इजी हो जीवो केमती जो क्राउड मैनेजमेंट होची जो टोटल आम प्री रजिस्ट्रेशन करवा तापर आमर वाईफाई पूरा आमर हॉस्पिटल टा पेशेंट मान को दिया हबो वाईफाई सिस्टम क्रिएट हबो से माने सुविधा पाइबे केमती आउ पेशेंट रो वेटिंग लिस्ट केमती कम करा जीवो ता विषय रे भी आमे डिस्कशन करथिले मैडम सजेशन देले वेटिंग लिस्ट कम करिवा पाई पेशेंट मानकर ओटी लिस्ट भी केमती कम हबो आउ तापर पेशेंट जो माने आसुचंती समस्तंक पाई आमे फैसिलिटीज देई पारुनु केमती कैपेसिटी बढ़ी ता विषय भी आम चिंता कर रेफर हाँ रेफर केसेस आमर कौन 10,000-12,000 लोक आसुचंती ये एम्स रो काम कौन हॉस्पिटल रो मेन उद्देश्य है टर्शियरी केयर सपोर्ट टर्शियरी केयर प्राइमरी सेकेंडरी केयर सपोर्ट आम जदि देवु ताल 10,000-12,000 लोक को आम दे पारुनु तो 20-30% जो माने अच्छा तांकु टर्शियरी केयर दरकार नहीं ना ऑपरेशन ना तांकर किसी सीरियस रोग तो सेइतिपई बहुत भीड़ बढ़ुची से भीड़ को कम करिवा पई आमर केमती स्ट्राटेजी करिवा कौन कले से मानकु रेफर आउ आमे डायरेक्ट पेशेंट को नबा ना थ्रू रेफर जो माने रेफर मेडिकल कॉलेज रु आसीबे रेफर करिवे आउ को सीरियस जदि केसेस होबे ताहाले आमे आमर एम्स रो उद्देश्य होची टर्शियरी केयर ट्रीटमेंट आउ टीचिंग एंड एजुकेशन रिसर्च आउ जदि आमर एई सिंपल रोग आउ जो खास सर्दी होची तापई जदि आमर मैन पावर जीवो ताहाले टर्शियरी केयर सप्लाई हे परिबोने आम सपोर्ट दे परिबोने सेति पई आमे देखिबा केमते कोन कले स्क्रीनिंग क्लिनिक विषय रे आमर कथबार्ता यस डिस्कशन आम करूचे किंतु केमती ताको करिबा सेटा आम देखिबा एबे प्लान करिकि करिबा केमती एटा हाँ कम्प्लीट हो जाइछि एबे टिके अछि तार बस आम बोधे मे बी सून विदिन 1 or 2 मंथ्स भीतर आम स्टार्ट हो जइबो सबू।